इन हाइब्रिड जानवरों के बारे में जानकर आप लोगों का सिर चकरा जाएगा कि कैसे ये औरत एक बार मरकर भी दोबारा जिंदा हो गई। अगर आप लोगों को ब्लैक कलर पसंद है तो साइकोलॉजी के मुताबिक आप किस किस्म के इंसान हो और ऐसे अजीबोगरीब फैक्ट जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 7। दोस्तों, ब्लू व्हेल इस दुनिया का सबसे बड़ा जीव है। एक वयस्क ब्लू व्हेल 29.9 मीटर तक बढ़ सकती है। वहीं इसका वजन 200 टन से भी ज्यादा होता है। और हाँ, साथ ही साथ दोस्तों, ब्लू व्हेल का मुंह इस धरती का सबसे बड़ा मुंह है। ये इतना बड़ा होता है कि दोस्तों, अगर इसके मुंह में 100 से भी ज्यादा लोगों को खड़ा कर दे तो ये सारे लोग इसके मुंह में आसानी से फिट हो जाएंगे। पर फिर भी दोस्तों, इतना बड़ा मुंह होने के बावजूद भी आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि ये विशालकाय जीव बास्केटबॉल से बड़ी किसी भी चीज को निगल नहीं सकती। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों, ब्लू व्हेल का गला इतना छोटा होता है कि वो एक बार में बास्केटबॉल से ज्यादा मोटी किसी भी ऑब्जेक्ट को खा नहीं सकती। इस पर यकीन करना नामुमकिन सा है, पर दोस्तों ये फैक्ट एकदम सही है और ये ब्लू व्हेल के नंबर में डिक्रीमेंट आने का एक बड़ा रीजन भी है। नंबर 6। दोस्तों, 1970 में जर्मनी बेस्ड कंपनी ने एक ऐसे सिगरेट का आविष्कार किया था जो टेस्ट में एकदम किसी भी आम सिगरेट की तरह थी, बट सिगरेट जितनी हार्मफुल नहीं थी, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी ने सिगरेट में पैलेडियम नाइट्रेट को इंट्रोड्यूस किया था जो कि टबैको का कंप्लीट कंबसन कर उसे लेस हार्मफुल बनाती थी। इस सिगरेट का नाम दोस्तों उस कंपनी ने प्रोजेक्ट एक्से या एक्से सिगरेट रखा था। पर दोस्तों, इस सिगरेट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करते ही बाकी सभी सिगरेट कंपनी को काफी नुकसान होने लगा, तो सभी सिगरेट की कंपनी एक होकर प्रोजेक्ट एक्से पर बैन लगा दिया और एक्से सिगरेट की बिक्री में रोक लग गई। सच में दोस्तों, ये चीज दिखाती है कि दुनिया में लोग कितनी भी ह्यूमैनिटी सेव अर्थ सेव एनवायरनमेंट की बात कर ले, इन द एंड मनी ऑलवेज मैटर। नंबर 5। दोस्तों, आपने ये तो देख लिया कि कैसे कुछ लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, पर दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताऊंगा जिसने लोगों की मदद करने के लिए $7 मिलियन तक को रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों, ये शख्स और कोई नहीं, अमेरिकन वायरोलॉजिस्ट मेडिकल रिसर्चर जॉनस एडवर्ड सेल्क थे। इन्हें द फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है। 1955 में इन्होंने फर्स्ट सक्सेसफुल पोलियो वैक्सीन बनाई थी और इन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने बनाई वैक्सीन को पेटेंट नहीं कराएंगे, जिससे पोलियो की वैक्सीन उन लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच पाए जो इस वैक्सीन को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक जॉनस लैक को इस डिसीजन के लिए $7 बिलियन तक का नुकसान हुआ और ये जानते हुए भी उन्होंने अपनी वैक्सीन को पेटेंट न कराने का फैसला लिया। इट शोज ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट। नंबर 4। टाइगन। दोस्तों, जैसा कि आप इसके नाम से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हाइब्रिड जानवर टाइगर और लायन का मिक्स है। इसको मेल टाइगर और फीमेल लायन को क्रॉसब्रीड करके तैयार किया गया है। दोस्तों, टाइगर की गर्दन में लायन की तरह घने बाल होते हैं, वहीं टाइगर की तरह ब्लैक स्ट्रिप, लेकिन ये ब्लैक स्ट्रिप सभी टाइगर में हो ये जरूरी नहीं है। दोस्तों, बात करें इस हाइब्रिड जानवर के साइज की, तो इसका साइज लगभग अपने पेरेंट जितना ही होता है और इसका वजन एक लायन जितना करीब 170 किलो तक हो सकता है। और हाँ दोस्तों, आप इस हाइब्रिड जानवर को आसानी से जंगलों में नहीं देख पाओगे, क्योंकि दोस्तों लायन और टाइगर की क्रॉस ब्रीडिंग कराना कानूनन अपराध है। इसीलिए दोस्तों, आप टाइगर को सिर्फ और सिर्फ जू में ही देख पाओगे, ताकि जितने भी टाइगर इस अर्थ पर मौजूद है उनकी अच्छे से देखभाल हो सके। खैर, कुछ भी कहो, लेकिन दिखने में ये टाइगर कमाल का है। अगर आप भी मेरी इस बात से एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसा ही कमाल का जानवर आगे भी है। नंबर 3। लाइगर। दोस्तों, इस हाइब्रिड जानवर को मेल लायन और फीमेल टाइगर को क्रॉसब्रीड करके तैयार किया गया है। लाइगर में अपने माता पिता दोनों की क्वालिटी साफ दिखाई देती है। इसका शरीर फीमेल लायन की तरह होता है और इसके शरीर पर टाइगर की तरह हल्की हल्की धारियां मौजूद होती है। बात करें इसके साइज की, तो एक वयस्क लाइगर का साइज दोनों टाइगर और लायन से ज्यादा होता है। जहां इसका वजन 400 किलो तक होता है, वहीं इसकी लंबाई 9 से 11 फीट तक हो सकती है। अपनी इसी खासियत की वजह से लाइगर कैट फैमिली में सबसे बड़ा जानवर है। दोस्तों, अभी तक के सबसे बड़े लाइगर का नाम हरकुलिस है। इसका वजन 420 किलो है। नंबर 2। दोस्तों, ब्लैक कलर अपने आप में ही बहुत खास है। आप इसमें किसी भी कलर को मिला दो, फिर भी दोस्तों आपको हमेशा ब्लैक कलर ही मिलेगा। और दोस्तों, आपको ब्लैक कलर पसंद है तो साइकोलॉजी के मुताबिक दोस्तों आप रियल लाइफ में सीरियस और एम्बिशियस हैं। ब्लैक कलर को पसंद करने वाले लोग ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल होते हैं, लेकिन किसी को दिखाना नहीं चाहते। ऐसे लोगों को दुनिया के बजाय अपने पर्सनल लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। और दोस्तों, आपने ज्यादातर मूवी और टीवी शोज में देखा ही होगा कि मिस्ट्री और थ्रिल के दौरान डायरेक्टर ब्लैक एनवायरनमेंट को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर मैं इसे सम अप करूं तो ब्लैक कलर मिस्ट्री, थ्रिल, कंट्रोल, इंटेलिजेंस, पावर और प्रोफेशनलिज्म को दिखाता है। नंबर 1।
दोस्तों ऐसी दनबर नाम की एक महिला की 1915 में एक बीमारी के चलते मौत हो गई थी। दोस्तों डॉक्टरों के मृत घोषित करते ही उसकी बॉडी को कॉफिन में रख ये डिसीजन लिया कि शव यात्रा को एक दिन बाद निकाला जाएगा, क्योंकि दोस्तों उस महिला की एक बहन शहर के बाहर रहती थी। अगले दिन जब उस महिला की बहन वहाँ पहुँची तो उसने कॉफिन को खोलने का आग्रह किया ताकि वो अपनी बहन को एक आखिरी बार देख सके। तो वहाँ मौजूद लोगों ने कॉफिन को खोल दिया। फिर जो हुआ दोस्तों वो आउट ऑफ द वर्ल्ड था, क्योंकि वो मृत महिला उठकर बैठ गई और चारों तरफ देख मुस्कुराने लगी। हाउ किसी को नहीं पता, पर ये औरत अपने मरने के 47 साल तक जिंदा रही। खैर इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो जाने से पहले वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कर दो यार, लिटरली एक सेकंड भी नहीं लगेगा। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, थैंक यू।